हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। आज मैं आपको प्रेस्टिज के रोटी मेकर का रिव्यू दूंगी। मेरे पास प्रेस्टिज के दो रोटी मेकर हैं, PRM 3 एंड PRM 5। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना PRM 3 रोटी मेकर। ये मेरा PRM 3 रोटी मेकर है। ये मैंने 2020 में कोरोना के टाइम परचेज किया था। लेना तो मुझको PRM 6 मॉडल था, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मुझे ये लेना पड़ा। इसको अगर हम देखें तो इसकी जो एज है वो उठी हुई नहीं है, बिल्कुल किनारे इसके शार्प फ्लैट हैं, बिल्कुल एज बिल्कुल फ्लैट है, उठी हुई नहीं है। और इस पर जो कोटिंग है ये ग्रेनाइट कोटिंग नहीं है, प्लेन कोटिंग है इसके ऊपर। PRM 5 ये जो मॉडल है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी एज उठी हुई है, इसकी जो कोटिंग है ये ग्रेनाइट है, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि मैंने ये दो रोटी मेकर क्यों खरीदे। बिल्कुल सही बात है, जब मैंने पहला ये रोटी मेकर खरीदा तो रोटी तो बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छी फूलती थी, लेकिन इसमें मेरी भी कुछ गलती थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम आई। पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि एक बार ये ख़राब हो गया, इसका थर्मोस्टेट ख़राब हो गया। आप देख रहे हैं सर्विस सेंटर की स्लिप लगी हुई है, इसे मुझे रिपेयर कराना पड़ा। दूसरा क्या हुआ कि रोटी तो उसमें बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन मैं ही कुछ गलतियां करती थी, उसकी गलती की वजह से मेरा ये हैंडल टूट गया रोटी मेकर का। हुआ ये कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था रोटी मेकर का, तो रोटी मेकर को जब ये इसमें यहाँ पर लोई रखते हैं और इसको इस तरीके से प्रेस करते हैं, तो मैं क्या करती थी कि पहले इसको रखती थी और उसके बाद इससे इसको प्रेस करती थी हैंडल से। तो उसमें होता क्या था कि ये जो हैंडल है इस पे जब हम प्रेस करते हैं तो उसका जो प्रेशर पॉइंट होता है वो प्रॉपर जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर नहीं होता होगा, और ये उसकी वजह से ये हैंडल टूट गया। दूसरा क्या हुआ कि इसकी जो कोटिंग है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये काफ़ी ख़राब हो गई है, उसकी वजह से क्या होता है रोटी तो बनती है लेकिन रोटी जो सब तरफ से इक्वल नहीं फैलती है, कहीं से थोड़ी टेढ़ी हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल अच्छे से भी बन जाती है। ये PRM 5 मॉडल है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, ये इसका हैंडल है। अब इसको मैं कैसे प्रेस करती हूँ, इसको दोनों को एक साथ ऐसे ले जाके प्रेस करना होता है, उससे क्या होता है इसका प्रेशर जो है सब तरफ इक्वल होता है और हैंडल पर किसी भी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है जिससे ये टूट जाए। दूसरा मैंने एक गलती और करी कि इस पर मैंने जो पहले वाला था PRM 3 उस पर मैंने पराठा बनाने के लिए ऑयल लगाया, हो सकता है कि मेरी उस गलती की वजह से उसकी वो कोटिंग ख़राब हो गई हो। आप देख रहे हैं इसको मैं करीब 1 साल होने जा रहा है इसको भी, और इसकी कोटिंग ख़राब नहीं हुई है, मे बी कि ये ग्रेनाइट है, और लेकिन मैंने इस पर ऑयल भी यूज़ नहीं करा है। दूसरा, इसमें रोटी मेकर में रोटी बनाते समय हमें सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान देना है, इसके जो इंडिकेटर हैं जब आप इसको ऑन करेंगे तो इसके दोनों इंडिकेटर शो करेंगे। ये इंडिकेटर तो सप्लाई शो करता है कि इसमें सप्लाई आपकी कंटिन्यूस जा रही है, ये शो करता है कि इसका टेम्परेचर जिस पर आपने सेट किया है वो टेम्परेचर इसका हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब ये आप रोटी मेकर को ऑन करें और इसका ग्रीन इंडिकेटर बंद हो जाए तब आप समझिए कि रोटी मेकर में रोटी बनाने के लिए टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है और आप अपनी रोटी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। रोटी बनाते समय बीच बीच में कभी कभी लगता है जैसे हमारा तवा भी कभी कभी ठंडा हो जाता है और हमें बीच में गर्म करना पड़ता है, तो रोटी बनाते समय भी कभी कभी इसमें ऐसा लगता है कि जैसे ये ठंडा हो गया, रोटी नहीं बढ़ रही है,
तो फिर आप इसको गर्म कर लीजिए और फिर से रोटी आप अपनी बनाने लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे, क्योंकि शुरू में जब आपको कोई चीज़ नहीं पता होती है और आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो उसमें आप गलती करते हैं तो उसमें नुकसान भी होता है। जैसे पहले वाले रोटी मेकर का हैंडल टूट गया, तो मुझको लगा कि अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही हो और आपको भी ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस हो रहा हो जो जिसका आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।